नमस्कार दोस्तों, प्रीमियम प्रो की इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिस्पॉन्सिव टेस्ट एनिमेशन सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्रीमियम प्रो को विस्तार सहित सीखने के लिए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा, साथ ही आपको वीडियो को लाइक भी करना होगा। दोस्तों, रिस्पॉन्सिव टेस्ट एनिमेशन के लिए आपको सबसे ऊपर ग्राफिक्स पैनल के ऊपर जाना है। दोस्तों, ग्राफिक्स पैनल की कुछ विशेषताएं होती है जो आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगी, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जैसे ही ग्राफिक्स पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया पैनल क्रिएट हो जाता है जिसका नाम है एसेंशियल ग्राफिक्स। एसेंशियल ग्राफिक्स में दोस्तों आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगी, पहला है ब्राउज का और दूसरा है एडिट का। ब्राउज में दोस्तों एडोबी ने कुछ अपने से ही कुछ टेम्पलेट दिए हैं, और हम अब बात करते हैं एडिट की। दोस्तों, एडिट में आपको एक टेम्पलेट बनाना सिखाऊंगा जिसको आप कहीं भी एडिटिंग में यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, नीचे पे हमको एक ऑप्शन मिला है न्यू लेयर का। जैसे आप न्यू लेयर पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस तरह के टेस्ट और इलिप्स रेक्टेंगल टूल, इस तरह के कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। हमको क्या करना है, एक रेक्टेंगल ले लेना है। तो रेक्टेंगल पे मैं क्लिक करता हूँ। इस तरह से दोस्तों हमारे सामने एक रेक्टेंगल टूल का शेप बन गया है। हमको जितना चाहिए उतना हम ले लेते हैं, छोटा बड़ा या जहाँ हमको रखना चाहिए। हमको यहाँ पर रखना है जिसमें हमको रिस्पॉन्सिव टेस्ट एनिमेशन करना है, इस तरह से। अब दोस्तों क्या करना है, ये जो कलर है उसको हमको चेंज कर देना है ताकि अच्छा लगे। तो कलर को चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फिल का। यदि आप स्ट्रोक रखना चाहते हैं तो आप स्ट्रोक का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो फिल को मैं फिलहाल तो अभी चेंज कर लेता हूँ। कोई सा भी आप कलर दे सकते हैं, ब्लू कलर दे सकते हैं या फिर ब्लैक कर सकते, जो आपका मन का इच्छा हो आप कलर दे सकते हैं। तो ब्लू ले लेते हैं सिंपल से, इस तरह से। इस तरह से हमारा जो शेप है वो बन गया है। अब दोस्तों हमको क्या करना है, अब हमको टेस्ट लेना है। उसके लिए आपको सेम प्रोसेस करना है, न्यू पर ही जाना है। न्यू पर ही आपको टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने ऊपर पे टेस्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही इस तरह से आपका टेस्ट का पैनल खुल जाएगा। टेस्ट टूल पे जाके इसको आप जो चाहे लिख सकते हो। मैं लिखता हूँ यादव। सिंपल से इसका भी कलर को हमको चेंज कर लेना है। देखिए दोस्तों, हमने जो शेप लिया है वो ब्लू कलर का है, तो सिंपल से आप ब्लैक कलर ले सकते हैं या फिर वाइट कलर। तो अभी तो फिलहाल हमको टेस्ट को दिखाने के लिए ब्लैक कलर लेना होगा, तो यहाँ से हम इसको ब्लैक कर देते हैं ताकि आपको टेस्ट भी समझ में आ जाए। इस तरह से मैंने यादव लिखा है, इसको मैं ऊपर में रख देता हूँ इस तरह से। आप चाहें तो इसको यहाँ पे लाने के बाद आप वाइट भी कर सकते हैं, यहीं से वाइट ठीक कर लेते हैं इस तरह से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जो बताने वाला हूँ आप ध्यान से देखिएगा, और ये मत बोलिए कि सर यहाँ पे हमको कुछ समझ में नहीं आया है। सबसे पहले आपको मैं एक टेस्ट लिख के बताता हूँ, जैसे यादा है उसके बाद मैं लिखता हूँ ग्राफिक्स। जैसे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, जो ग्राफिक्स लिख रहा हूँ वो नीचे हमने जो शेप लिए है उससे बाहर हो जा रहा है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन लेना होगा हमको, तो सबसे पहले इसको आपको काट देना है। अब क्या करना है, हमको नीचे शेप जो ब्लू कलर के हमने जो शेप लिया उसको हमको सेलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे हमको एडिट पे जाना है। एडिट पे नीचे आपको पिंक का ऑप्शन मिल जाएगा, जो वीडियो फ्रेम है वहाँ पे आपको यादव जो आप टेस्ट लिए हैं उसको आपको पिंक कर देना है। पिंक करने के बाद बगल में आपको सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप सिंपल से क्लिक कर दीजिए। अब
अब हम टेस्ट लिख के देखते हैं कि क्या फर्क हुआ है। या अब लिखता हूँ मैं ग्राफिक्स। जैसे ही मैं ग्राफिक लिखने की कोशिश करता हूँ, नीचे जो हमने शेप लिया है उसके साथ में वह बढ़ रहा है। तो दोस्तों इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। तो इस तरह से आप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना सकते हैं। अब दोस्तों क्या कर रहे हैं, अभी इसको हमको एनिमेट करना है। तो एनिमेट वाला जो प्रोसेस आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, यदि आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ वीडियो को नीचे दिए गए लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम एनिमेट करके सीख लेते हैं। तो दोस्तों एनिमेट के लिए आपको सिंपल से एडिट के ऑप्शन पे जाना होगा। जैसे ही हम एडिट के ऑप्शन पे जाते हैं, हमारे सामने इस तरह के पैनल ओपन हो जाते हैं। अब दोस्तों ये जो हमने टेस्ट लिया है उसको हमको लेफ्ट से राइट की ओर एनिमेट करना है और थोड़ी देर रुकना है, फिर उसको आगे एनिमेट करना है। तो इसके लिए आपको पोजीशन पे जाना होगा। सबसे पहले आपको तो जहाँ तक एनिमेट करना है वहाँ इसको आपको ले लेना है। यहाँ पे यहाँ तक मुझे एनिमेट चाहिए, तो मैं पोजीशन पे सिंपल से यहाँ पे आप क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने एक छोटा सा बिंदी आ जाता है जिसको हम की फ्रेम कहते हैं। अब इसको इस तरह से खिसका देते हैं सिंपल से, फिर से पोजीशन भी को इस तरह से हमको बाहर की ओर ले जाना है। अब हमको प्ले करके देखना है। इस तरह से दोस्तों हमारा जो एनिमेशन है वो आ गया है। तो दोस्तों यह हमारा है पहला एनिमेशन जो आके यहाँ पे रुक जा रहा है। अब इसको फिर से हमको वापस भेजना है। जैसे इस तरह से हम यहाँ से हमारा एनिमेशन आ रहा है, अब यहाँ पे रुक के अब फिर अंदर की ओर जाना है। सिंपल से यहाँ पे आप दूसरे की फ्रेम को सिंपल से आपको कॉपी कर देना है। जहाँ तक आपको एनिमेशन रखना है वहाँ तक रखिए, फिर यहाँ पे आपको कर देना है पेस्ट। अब फर्स्ट फ्रेम की फ्रेम को कॉपी करना है, जहाँ तक रखना है आपको वहाँ तक आपको करना है पेस्ट। अब दोस्तों प्ले करके देखते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप रिस्पॉन्सिव टेस्ट एनिमेशन कर सकते हैं। देखे दोस्तों कुछ देर रुक रहा है फिर जाके वापस हो जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप रिस्पॉन्सिव टेस्ट एनिमेशन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।